किचन मेकओवर तो करना चाहते हैं बट किचन डेकोर आइटम्स हमारे बजट में नहीं आते, तो क्या करें? डोंट वरी गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ऐसे ही कुछ नो कॉस्ट किचन मेकओवर आइडियाज एंड डीआईवाई शेयर करने वाली हूं, जिनके थ्रू आप अपने किचन काउंटर टॉप को ऑर्गेनाइज एंड डेकोरेटिव लुक दे सकते हैं। लास्ट वीक मैंने अपने किचन की डीप क्लीनिंग एंड डी क्लटरिंग की थी, देन आई रियलाइज कि काफ़ी सारी अनयूजुअल चीज़ें हमें हमारे किचन में ही मिल जाती हैं हमारे किचन को फिर से एक नया लुक देने के लिए। तो इसी डी क्लटर को रीयूज करके मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे इफेक्टिव डीआईवाईज एंड आइडियाज शेयर कर रही हूं जो कि आपको बहुत ही ज्यादा पसंद भी आने वाले हैं। आई होप आपके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। वीडियो में अगर आपको कोई भी टिप्स या डीआईवाई आज पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे फर्स्ट डीआईवाई के लिए मैं इस तरह के एक रोलिंग बोर्ड का यूज़ करूँगी जो कि बहुत ही ज़्यादा रफ़ हो गया है, काफ़ी दिनों से इसका कोई भी यूज़ नहीं हो रहा था बट मैं इसको फेंक भी नहीं पा रही थी। तो इसके थ्रू आज मैं बहुत ही अच्छा एक डीआईवाई आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने इसको वाइट एक्रिलिक पेंट की हेल्प से पेंट किया है सो दैट ना इसका सर्फेस जो है वो एकदम से ब्राइट हो जाएगा। एंड अभी हम इसके ऊपर ड्रॉ करने वाले हैं अपनी थीम। तो मैं यहाँ पर अपने किचन के लिए एक बहुत ही सुंदर सा कॉफ़ी कॉर्नर क्रिएट करने वाली हूँ और उसके लिए मैं बनाने वाली हूँ यहाँ पर बहुत ही सुंदर एक कप होल्डर। तो इस वाले डीआईवाई को अगर आप चाहें ना तो इस तरह के रोलिंग बोर्ड पर भी बना सकते हैं बट अगर आपके पास कोई भी बेस चॉपिंग बोर्ड पड़ा है ना तो उस पर भी ये जो डीआईवाई है बहुत ही अच्छा निकल के आएगा। तो अपनी थीम के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर कुछ छोटे कुछ बड़े जो मग्स हैं ना वो यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर लिए हैं एंड अगेन मैं यहाँ पर इनको एक्रिलिक पेंट की हेल्प से पेंट कर लूँगी। तो पेंट करने के लिए आप सिंपल ब्रश का भी यूज़ कर सकते हो या फिर इस तरह से आप ना कोई भी स्क्विज़ किया हुआ स्पंज भी ले सकते हो एंड इसकी हेल्प से आप यहाँ पर डैब डैब करके कलर अप्लाई करेंगे ना तो एक बहुत ही अच्छा सा एक टेक्सचर यहाँ पर निकल के आएगा आपके एक्रिलिक कलर्स में। एंड अभी मैंने यहाँ पर लिया है फेविक्राइट का ये मोल्डेड क्ले जो कि आपको बहुत ईजिली मिल जाता है किसी भी स्टेशनरी पर 25 रुपीज़ में और इसकी हेल्प से मैं यहाँ पर ये कॉफ़ी एंड इसकी जो आउटलाइनिंग है इसको ड्रॉ कर लूंगी। मोल्डेड क्ले से काम करना बहुत ईजी है, अपनी काफ़ी सारी वीडियोज़ में मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ और हाँ इसके लिए आपको ना अलग से कोई भी टूल्स परचेज करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपके किचन में जो भी अवेलेबल चीज़ें होती हैं ना जैसे नाइफ्स स्पून वगैरह उसकी हेल्प से भी आप मोल्डेड क्ले के थ्रू बहुत ईजिली काम कर सकते हो। तो साइड में मैंने यहाँ पर क्ले के थ्रू ही बॉर्डर बना दिया है और एक स्पून की हेल्प से मैंने यहाँ पर ना इस तरह से जिगजैग वाला एक पैटर्न बना दिया है तो बहुत ईजिली यहाँ पर ना ये बन करके रेडी भी हो जाएगा। और इस तरह के जो डीआईवाईज होते हैं इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें ना कोई भी कलर कॉम्बिनेशन आप अपनी चॉइस का यहाँ पर ले सकते हो, अपनी चॉइस के आप कोई भी थीम बना सकते हो। टोटली आप पर डिपेंड करता है कि ये आप अपनी इस क्रिएटिविटी को किस तरह से क्रिएट करना चाहते हो। तो मैंने यहाँ पर सिंपल यहाँ पर ना कॉफ़ी कलर से कॉफ़ी को पेंट किया है और अभी थोड़ी सी डिटेलिंग मैं यहाँ पर दे रही हूँ कप्स में। तो यहाँ पर मैं ना सिंपल पोल्का डॉट्स यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। जब आपको कोई अच्छी ड्राइंग नहीं आती है ना तो ये बहुत इजी टिप है गाइज, आप वहाँ पर डॉट डॉट कर दीजिए, वो जो आपका खाली प्लेस है वो भी फिल हो जाएगा। और यहाँ पर अभी मैंने लिया है एक सिंपल ब्लैक मार्कर, इसके हेल्प से मैंने यहाँ पर आउटलाइन अच्छे से ड्रॉ कर दी है और उसकी वजह से ना काफ़ी अच्छा लुक यहाँ पर इसका इन्हेंस हो गया है। अभी मैंने ना मैं यहाँ पर कप होल्डर बना रही हूँ इसलिए मैंने यहाँ पर ना कप्स के हिसाब से मेजरमेंट ले ली है इस बोर्ड पर और कुछ मैंने लिए हैं इस तरह के हुक्स, तो इनको ना क्वेश्चन मार्क हुक भी आप बोल सकते हो, बहुत इजीली आपको किसी भी हार्डवेयर के शॉप पर मिल जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर ना 5 रुपये का पर पीस परचेस किया था इसको और कोई भी अगर आपके घर में एक्सपीरियंस होल्डर है तो उसके थ्रू आप यहाँ पे ना ड्रिल करा सकते हैं इस बोर्ड पर या फिर आप इजीली ना मार्केट में भी इस तरह से होल करा सकते हैं। तो ये बहुत इजीली आप यहाँ पर ना इनको इस तरह से फिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर फौजी साहब ने मेरी हेल्प की थी इस बोर्ड में ड्रिल करने के लिए एंड बहुत ईजिली हमने यहाँ पर 5 हुक्स लगा करके रेडी कर लिए हैं। अगर आपका बोर्ड बड़ा है या आपके पास ज़्यादा डायमीटर है तो आप यहाँ पर ना ज़्यादा हुक भी लगा सकते हैं, इसी तरह से आप कम भी कर सकते हैं, ये टोटली आपकी चॉइस है। तो इस तरह से हमारा जो ये कप होल्डर था बन करके रेडी हो चुका है एंड लास्ट में आपको यहाँ पर एक कोट वार्निश का ज़रूर से अप्लाई करना है क्योंकि इससे ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्ट तो करेगा ही, साथ ही ना इसमें एक बहुत अच्छी सी शाइन आ जाएगी एंड ये वाटरप्रूफ भी बन जाएगा।
तो अभी आपका एक बहुत ही प्यारा सा कप होल्डर बन करके तैयार हो चुका है, बिल्कुल फ्री में। इसमें थोड़ी सी आपकी मेहनत है, थोड़ी सी क्रिएटिविटी है, एंड लास्ट में मैंने यहाँ पर एक हुक यहाँ पे लगा लिया है, सो दैट हम इसको इजीली ना दीवार पर होल्ड भी कर सकते हैं। तो ये आइडिया आपको मेरा कैसा लगा प्लीज़ कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो हमारे नेक्स्ट DIY में अगेन मैं अपने किचन के ही दो पुराने स्पेशलाइज का यूज़ कर रही हूँ, जिनको मैं रिप्लेस कर चुकी हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब भी हो चुके हैं। तो सबसे पहले ना मैंने इसको वाइट पेंट कर दिया है एक्रिलिक कलर्स की हेल्प से। अगर आप सबसे पहले वाइट पेंट कर देते हो ना किसी भी चीज़ को, तो उसके बाद आप जब भी उसके ऊपर कोई और कलर अप्लाई करते हो ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट निकल के आते हैं। देन मैंने यहाँ पर दो प्राइमरी कलर्स का यूज़ किया है, तो मैंने सिंपली एक स्पेशला को रेड एंड सेकेंड को येल्लो कर दिया है। गाइज मैं कोई भी आइडियाज अपनी वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं उनको इतना सिंपल रखूँ कि अगर आप पहली बार भी कोई DIY बना रहे हो ना, तो आप इजीली उसको क्रिएट कर पाओ। एंड मैंने यहाँ पर अभी लिया है मोल्डेड क्ले, तो मोल्डेड क्ले की हेल्प से मैं यहाँ पर ना एक कप का शेप ड्रॉ करूँगी, क्योंकि गाइज मैं अपने किचन में एक कॉफ़ी कॉर्नर बनाने वाली हूँ, तो उसके लिए जो मेरी थीम रहेगी ना वो रहेगी कॉफ़ी पर ही बेस रहेगी। लेकिन अगर आप थीम कुछ और रखना चाहते हैं, तो आप सिंपली यहाँ पर ना कुछ और भी आइटम बना सकते हैं। मैं यहाँ पर सिंपल से आइडियाज़ सिर्फ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप चाहे तो कैटली भी बना सकते हैं, कॉफ़ी मग बना सकते हैं, बर्ली आर्ट भी आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो मैंने इस तरह से ना अपने फिंगर्स की हेल्प से इसको थोड़ा सा स्मूथ करते हुए इस तरह से एक कप यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। कोई भी पैटर्न अगर आप बनाना चाहते हो, तो उसको पहले आप रफली कहीं पर डिज़ाइन करके रखिए या फिर अपने माइंड में नोट करके रखिए। उसके बाद अगर आप वो काम करना स्टार्ट करते हो, तो उसमें काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आती है। और अगर बिल्कुल भी थॉट्स आपके माइंड में नहीं आते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी गाइस पिंटरेस्ट आप डाउनलोड कीजिए, उसमें आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे थॉट्स, बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ मिल जाते हैं। तो या तो मैंने सिंपली ना इस तरह से अपने एक स्पेशला पर सिंपल कप बना दिया है, और अभी जो मोल्डेड क्ले बची हुई थी उसको मैंने सिंपल छोटे छोटे गोले बना करके उसको पहले ओवल बनाया है, और इस तरह स्पून की हेल्प से मैंने इसमें ना कट दिया है, जिसकी वजह से ये इस तरह से कॉफ़ी बीन के शेप में आ गया है। तो मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह से कॉफ़ी बीन्स भी बना करके रेडी कर लिए हैं, और इन्हें अभी मैं फेविकॉल की हेल्प से इस पर स्टिक कर लूँगी। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि कभी भी ना आपको स्पेशल हर चीज़ परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आपके किचन में आपके घर में ही बहुत सारे ऐसे टूल्स आपको मिल जाते हैं, जिनकी हेल्प से आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। और मैंने भी जैसे कि ना मोल्डेड क्ले का आज यूज़ किया है, तो कोई भी टूल्स मैंने परचेज़ नहीं किया है, मैंने सिंपल इस एक ब्रश की हेल्प से या फिर नाइफ्स एंड स्पून की हेल्प से ही पूरा का पूरा अपना जो पैटर्न था उसको बना लिया है। तो इस तरह से एक स्पेशला पर मैंने मक्स बनाया है, कॉफ़ी बीन्स बनाई है, एंड सेकंड स्पेशला पर मैंने एक सिंपल फॉग बनाया है एंड स्पून बनाई है, और मैंने इसको कुछ 3D लुक देने का ट्राई किया है। एंड आप अपनी चॉइस के यहाँ पर कोई भी कलर इसमें फिल की कर दीजिए, बट हमेशा ट्राई कीजिए कि जो भी आप बना रहे हैं उसमें थोड़ी सी फिनिशिंग आए। जितना भी खाली सरफेस है उसको फिल करने के लिए मैं यहाँ पर अगेन डॉट्स का ही यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज़ मुझे ये सबसे ज़्यादा इजी लगता है, स्पेशली तब जब आपको बहुत ज़्यादा अच्छी ड्राइंग करनी नहीं आती है। तो यहाँ पर मैंने एक ब्लैक मार्कर की हेल्प से सिंपल कोट लिखा हुआ है, और मैं यहाँ पर लिख रही हूँ मॉम्स किचन। और इस तरह से हमारे ये दोनों स्पेशला बन करके रेडी हो गए हैं। इस तरह के आर्टिकल्स जब भी आप मार्केट से परचेज़ करते हो ना, तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली मिलते हैं, बट आपने अपने घर में इनको सिर्फ कुछ बेस चीज़ों के थ्रू एंड थोड़ी सी अपनी क्रिएटिविटी दिखाकर बहुत ही अच्छे से बना करके रेडी कर लिया है। लास्ट में आप इस पर भी एक कोट वार्निश का अप्लाई कर दीजिए, और ये आपका बहुत ही अच्छा एक आर्टिकल बन करके रेडी हो चुका है। सो मेरा ये आइडिया आपको कैसा लगा प्लीज़ कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा।
तो हमारे नेक्स्ट डीआईवाई के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ इस तरह के एक कप नूडल्स के एम्प्टी कप का, जो कि हमारे किचन में अक्सर खाली पड़े हुए रहते हैं। तो इसका एक बहुत अच्छा डीआईवाई आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले ना मैंने सिंपल वाइट एक्रिलिक कलर से इसको पेंट किया हुआ है, एंड इसके बाद मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ इसके ऊपर येलो कलर का एक्रिलिक कलर ही। आप अपनी चॉइस का कोई भी कलर यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। एंड इसके बाद में मैंने ना मोल्डेड क्ले की हेल्प से सिंपल सा यहाँ पर एक फेस ड्रॉ किया है। आप सिंपल से सिंपल पैटर्न कोई भी यहाँ पर अगर बनाएंगे ना, वो भी अच्छा ही लगने वाला है, बिकॉज ये थोड़ा सा 3D लुक में आता है गाइस। एंड मैंने यहाँ पर एक नोज़ बनाई है, नोज़ के अराउंड एक चश्मे टाइप का पैटर्न ड्रॉ किया है, और थोड़ी सी मैंने यहाँ पर मॉस्टिश बनाई है। और इन पर डिटेलिंग थोड़ी सी देने के बाद में मैंने यहाँ पर अपनी चॉइस के कुछ कलर्स अप्लाई कर दिए हैं। और कलर करने के लिए मैंने यहाँ पर ना सिंपली फॉर्म का यूज़ किया है, इसकी वजह से ना बहुत ही अच्छा एक टेक्सचर आता है कलर्स के लिए। तो इसकी आंखें बनाने के लिए मैं यहाँ पर गुगली आई बनाने वाली हूँ घर पर ही, और अगर आप चाहें तो मार्केट से भी परचेस कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्टली ये नहीं आती हैं। बट मैं यहाँ पर ना एम्प्टी मेडिसिन स्ट्रिप की हेल्प से ये गुगली आई बनाने वाली हूँ। तो सिंपली मैंने यहाँ पर जो ट्रांसपेरेंट पोर्सन होता है ना मेडिसिन स्ट्रिप का, वो कट कर लिया है, एंड इसके अंदर मैंने पल्स को डाल दिया है, ब्लैक कलर के पल्स को। और इस तरह से ना हमारी ये गुगली आई यहाँ पर बन करके रेडी हो गई हैं। इन्हें सिंपली आप कॉल की हेल्प से यहाँ पे अटैच कर लीजिए, और इस तरह का एक ये मॉडल आपके पास बन जाता है। तो मैंने सिंपली यहाँ पर ये एक ये DIY प्लांटर बनाया है, जो कि बहुत ही अच्छा बन करके टर्न आउट हुआ था। सो गाइज़, यहाँ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपने किचन काउंटर टॉप का एक छोटा सा फुल वीडियो, जो कि मैंने डेकोरेट किया है खुद के ही बनाए हुए आइटम्स के साथ, और अपने ही किचन से निकले हुए कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स के साथ, जिनको कि हम फेंकने वाले थे, लेकिन उन्हें रीयूज़ करके हमने इतना अच्छा अपने किचन को डेकोरेट कर लिया है। सो गाइज़, ये था किचन काउंटर टॉप डेकोरेशन का फर्स्ट पार्ट। सेकेंड एंड थर्ड पार्ट अभी आने वाले हैं। तो इसी तरह के अच्छे अच्छे कंटेंट के लिए अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ बहुत अच्छे अच्छे DIYs आइडियाज़ शेयर करती हूँ, जो कि आपकी डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं आप लोगों के लिए। सो आई होप गाइज ये वीडियो भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और अगर सच में पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू एंड लव यू लॉट। Falling down, 감추려 애썼던 마음 다 들킬까봐 도망가 버렸지. Yeah.